नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना। आज मैं आपको इस दिव्य औषधि के विषय में बताने जा रही हूँ। ये हमारे पुरखों की दी हुई अमूल्य धरोहर है। इसका नाम है गिलोय। इसको लोग बाग अमृता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि पूरे अमृत रूप, आप इसको कहीं भी ऐसे ही डाल दीजिए तो ये कुछ समय बाद आप देखेंगे ये अपने आप ही इसमें से पत्ते लग गए, अपने आप जड़ पकड़ लेता है ये, और ये बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आप इसको कहीं भी लगाना चाहें, पूरे भारत में पाया जाता है। कोई ये नहीं कि पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, समुद्री इलाके, हर जगह आपको मिल जाएगी गिलोय। इसके इतने फायदे हैं, आप इसका थोड़ा सा टुकड़ा आप इसको तोड़ के कहीं भी ऐसी मिट्टी में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, कहीं भी आसानी से हो जाता है। और आप ऐसे ही डाल दीजिए, ये कभी मरती नहीं है ये बेल। ये इसीलिए इसको अमृत बेल के रूप में भी जानते हैं। जब सोचिए इसमें इतने गुण हैं, जब ये बेल नहीं मरती, इसका मतलब ये है अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो ये आपको भी अमृत रूपी जीवन देगी, यानी कि आपके जीवन को भी बहुत अच्छा बना देगी। इसका आपको नियमित रूप से सेवन करना बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कहते हैं कि अगर आपका जीवन, वैसे तो अमर तो खैर कोई भी नहीं होता, मगर लेकिन अगर जब तक आपका जीवन है, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से आप ये गिलोय का, इसमें अगर हो सके तो इसका काढ़ा अगर बनाना चाहे तो इसमें थोड़ी सी आप तुलसी के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये एलोवेरा, आप इसको भी अच्छे से जानते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इन चीजों का नियमित इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने घरों में ज्यादा नहीं तो एक गिलोय का, एक तुलसी का और एक ऐसे एलोवेरा का, इन तीनों के गमले जरूर आप लगा कर रखें। अगर आपके पास गमले कहीं भी बालकनी में, खिड़की में, कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर आपको धूप वूप आती है या हवा धूप का जहां भी आवागमन हो, आप थोड़ी सी ज्यादा न लगाकर, इसको लगाने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, बहुत आसानी से आराम से ही ये भी लग जाती है, गिलोय भी, एलोवेरा भी है सही है, और तुलसी तो ज्यादातर घर घर में मिलती है। ये बहुत ही दिव्य औषधि है, आप इसको घर घर में लगाएं। और बल्कि अगर आप इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा इसको लेके और इसको आप थोड़ा सा कूट के ही बना सकते हैं, मिक्सी में पीस कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कूटें, इसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डाल लें, इसमें थोड़ा सा नीम डाल लें, लौंग, काली मिर्च डाल लें, हर तरह की बीमारी में बहुत काम आता है। और बुखार तो आपके पास आने ही नहीं देता, पेट संबंधी बीमारी वो नहीं रहती आपकी। आप एलोवेरा अगर आप नियमित सेवन कर रहे हैं, अगर आप नियमित सेवन तुलसी का कर रहे हैं, अगर आप नियमित सेवन गिलोय का कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आज मेरा यही कहना है आपसे दोस्तों, कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने घर में कम से कम एक एक पौधा तो, अपने पूर्वजों की दी हुई इतनी अमूल्य धरोहर है ये, इसका इस्तेमाल करने में हम थोड़ा सा इस्तेमाल अगर हम उसका सही ढंग से करें तो इससे हमें भी बहुत फायदा मिल सकता है, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को, सब लोगों को हम इसमें फायदा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इन चीजों के सेवन के साथ साथ थोड़ा सा योग को भी अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप देखेंगे आपको अद्भुत फायदा मिलने वाला है। ये अमृत बेल अमृता यानी गिलोय, ये एलोवेरा और ये तुलसी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे जल्द ही मिलने आएंगे। धन्यवाद।